नमस्कार, टाइम 24 बिहार देख रहे हैं आप, मैं हूं शिवांगी। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव में हिंसा को लेकर भारतीय जनता पार्टी फिर से ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस पर हमला बोलता तेज कर दिया है। बीजेपी ने राज्य में चुनाव के बाद तृणमूल कांग्रेस पर पार्टी कार्यकर्ताओं पर हमला करने का आरोप लगाया है। इस आरोप के बीच बीजेपी के 4 सांसदों की एक विशेष टीम रविवार रात कोलकाता पहुंची। कोलकाता एयरपोर्ट से वे सीधे माहेश्वरी भवन पहुंचे, जहां चुनाव बाद हिंसा में पीड़ितों को रखा गया है, लेकिन वहां पहुंचने के साथ ही कोहराम मच गया। माहेश्वरी भवन के पास एक क्रूड बम रखा पाया गया। बाद में पुलिस और बम स्क्वाड टीम की मदद से बम को हटाया गया, लेकिन बीजेपी ने इसे लेकर ममता सरकार पर निशाना साधा है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में राज्य की 42 सीटों में टीएमसी ने 29 सीट पर जीत हासिल की है। टीएमसी के सांसदों की संख्या 22 थी, इसमें 7 का इजाफा हुआ है। वहीं बीजेपी के सांसदों की संख्या 18 से घटकर 12 रह गई है, जबकि कांग्रेस के सांसदों की संख्या 2 से घटकर 1 हो गई है। चुनाव के बाद बंगाल में हिंसा के आरोप लगे हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा के आरोपों की जाँच के लिए बीजेपी के अखिल भारतीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस समिति का गठन किया है। केंद्रीय जांच टीम ने त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद विप्लव देव, पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान सांसद रविशंकर प्रसाद, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी और वर्तमान राज्यसभा सांसद ब्रिजलाल और मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार शामिल है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक रविवार रात कोलकाता में बीतने के बाद वे सोमवार सुबह कूचबिहार के लिए रवाना हुए। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक 4 सांसद सुबह की फ्लाइट से कूचबिहार जाएंगे, लेकिन रात में कोलकाता लौट आएंगे। अगले दिन वे डायमंड हार्बर, जयनगर और बशीरहाट लोकसभा क्षेत्रों में प्रभावित भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर सकते हैं। जहां पीड़ितों को गया था रखा, वहां मिला बम। देखिए, कोलकाता के महेश्वरी भवन में पीड़ित बीजेपी कार्यकर्ताओं के रखने की व्यवस्था की गई थी। रविवार शाम को 4 सदस्यीय भाजपा प्रतिमंडल माहेश्वरी भवन पहुंचा। त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव देव समेत 4 सदस्यीय टीम बीजेपी कार्यकर्ताओं समर्थकों से मिलने के लिए माहेश्वरी भवन में दाखिल हुई थी, तभी माहेश्वरी भवन के बाहर बम का आतंक फैल गया। सूचना मिलते ही कोलकाता पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस कर्मियों ने उस स्थान को घेर लिया जहां सूतली बम जैसी दिखने वाली वस्तु पड़ी थी। इसकी खबर बम निरोधक दस्ते को भी दी गई। स्नाइफर डॉग लाया गया, बम डिटेक्टर भी लाए गए। आखिरकार बम स्क्वाड टीम ने संदिग्ध वस्तु को बरामद कर लिया और उसे कहीं और ले जाया गया। हालांकि ये अभी भी स्पष्ट नहीं है कि वस्तु वास्तव में बम ही था या नहीं। बाद में जब विप्लव देव ने इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये बेहद शर्मनाक बात है। ये घटना इस राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को दर्शाती है। बंगाल में किस तरह से तृणमूल के गुंडों ने गुंडागर्दी कायम रखी है, इसका बड़ा उदाहरण सड़कों पर बम है। इसकी जिम्मेदारी बंगाल की पुलिस और प्रशासन की है। बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा पर घमासान हो रहा है। हिंसा पीड़ितों से मिलने राज्यपाल, बीजेपी ने आरोप लगाया कि इस बार पूरे देश में लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए। लोकसभा चुनाव के अलावा 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा चुनाव हुए। इसमें से कुछ में सत्ता परिवर्तन हो चुका है, लेकिन कहीं कोई हिंसक घटना नहीं हुई। सिर्फ बंगाल ही ऐसा है जहां ये हुआ। लोकसभा चुनाव के बाद राज्य में कोई हिंसा 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा की छाया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मूक दर्शक की भूमिका निभा रही है, लेकिन उनकी ही पार्टी के उपद्रवी लगातार विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ताओं और वोटरों पर हमले कर रहे हैं। बंगाल दौरे के बाद वे बीजेपी के अखिल भारतीय अध्यक्ष नड्डा को विस्तृत रिपोर्ट देंगे। इस बीच नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में हिंसा पीड़ितों ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस से मुलाकात की और न्याय की फरियाद की। बता दें कि इसके पहले पश्चिम बंगाल में साल 2021 के विधानसभा चुनाव और उसके बाद हुए पंचायत चुनाव में जमकर हिंसा हुई थी। हिंसा में दर्जनों लोगों की जाने गई थी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के घर छोड़कर जाने के लिए बाध्य होना पड़ा था। बाद में ये मामला कोलकाता हाईकोर्ट में गया और कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद चुनाव बाद हिंसा में मामले की जांच सीबीआई कर रही है। हिंसा के कई मामले में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है, कई गिरफ्तारियां भी हो चुकी है। दूसरी ओर ममता बनर्जी हिंसा के आरोपों को खारिज करती रही है और इसे बीजेपी द्वारा राज्य को बदनाम करने की साजिश करार देती रही है।